हेलो एवरीवन, जाट ऑन बीच में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम हैं त्याखी में और ये है त्याखी का समर कैंप एंड कैफ़े। ये हमारा टेंट था यहाँ पे और रात को नींद बहुत ही बढ़िया आई, एक नंबर की। सुबह आराम से 8:30 उठे वे तो रिलैक्स, 2-3 दिन से बहुत भागा भागी हो रही थी, जल्दी उठना, पैकिंग करना, भागना। तो आज रिलैक्स हैं हम, तो यहाँ पे जा रहे हैं अभी तुरतुक विलेज में। वहाँ पे पैलेस है, एक मोनेस्ट्री है और वहाँ से व्यू कह रहा बहुत अच्छा दिखता है। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं तुरतुक को, आपको भी दिखाते हैं। आगे हैं तुरतुक में और ये है स्टोन पैलेस तुरतुक, याबो रॉयल पैलेस एंड म्यूज़ियम तुरतुक। तो हम आए हैं यहाँ पे म्यूज़ियम देखने, पैलेस देखने और एक मोनेस्ट्री है तुरतुक में, वो सब एक्सप्लोर करने आए हैं। और ये रास्ता है ऊपर जाने का और ये पार्किंग है और ये ब्रिज क्रॉस करके जाना है म्यूजियम के लिए। तो हम आए हैं पैलेस देखने तुरतुक में और ये गलियां हैं तुरतुक की, यहाँ के लोकल घर बने हुए हैं ये आप देख सकते हैं। और ये बहुत तंग रास्ता है, इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको एक लोकल घर आएगा, उसको भी सेम वहाँ पे पुराने बर्तन वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन हम वहाँ नहीं गए और हम आगे चल पड़े जो मेन जो पैलेस है यहाँ का तुरतुक का, राजा जहाँ रहता है। तो जैसे ही अंदर घुसे तो पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी बाहर बोर्ड पे, और बोर्ड पे हिस्ट्री पढ़ के फिर हम आगे निकलते हैं। तो वहाँ पे उनका कोई मैनेजर या लड़का मिलता है, वो भाई 100-100 रुपये की हमसे टिकट 200 रुपये दे के हम जैसे ही चलने लगते हैं तो वो अपनी कहानी शुरू कर देता है कि ये अपने हिस्ट्री बताने लगता है और आइबेक्स के बारे में बताता है। फिर कहता है कि ऊपर चलो, तो हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। तो ऊपर जैसे ही पहुंचते हैं तो वो फिर अपने दरवाजे के बारे में बताने लगता है कि यहाँ पे 100 हीरे जवाहरात लगे हुए थे जो पाकिस्तान की फ़ौज जाते समय यहाँ से सारे हीरे जवाहरात निकाल के ले गई थी। उसके बाद हम जूते उतार के सीधा मेन पैलेस में जाते हैं जहाँ पे आज का करंट राजा, जो पैलेस का राजा है, वो मिलते हैं उनसे और वो अपनी पूरी हिस्ट्री बताते हैं, 1600 से लेके अभी तक की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। तो उसके कमरे के अंदर सब कुछ रखा हुआ, पुराने बर्तन और पुराने राजाओं की पिक्चर सब कुछ रखी हुई थी। तो वो हम देखते हैं, नेक्स्ट रूम में जाते हैं जहाँ पे उनका किचन होता है, किचन दिखाया जाता है, किचन में सारे बर्तन होते हैं। पूरे बर्तनों को हम देखते हैं आराम से, तो एक एक वो बर्तन समझाता है कि ये किस काम आता है, ये किस काम आता है। तो ये सब कुछ देख के फिर हम नेक्स्ट आगे बालकनी में जाते हैं। तो बालकनी में वो आराम करते हैं, तो बालकनी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो वो देख के हम बाहर आ जाते हैं, तो हम फोटोग्राफी कराते हैं और हमारा जो पैलेस का टूर था वो पूरा हो जाता है। आपको मोस्टली 30 मिनट लगेगा पैलेस टूर पूरा करने में। तुरतुक में ये है बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम, नेचुरल कोल्ड स्टोरेज, पोलो ग्राउंड, मोनेस्ट्री, वाटरफॉल। अच्छा, सारा इसी तरफ है। पोलो ग्राउंड, ओल्ड पोलो ग्राउंड, मोनेस्ट्री एंड वाटरफॉल। ये गलियां हैं हमारे तुरतुक की, ये घर है यहाँ पे। तो मोनेस्ट्री देखने के लिए हम गांव को छोड़ के, ये इनका खेत का एरिया है और ये जंगल है ऊपर, वहाँ से जाना पड़ेगा। 10-15 मिनट का कह रहा है वो रास्ता था वहाँ से गांव से, और वाटरफॉल इससे भी आगे है, 2 घंटे का रास्ता है। तो मोर देन 30 मिनट हमें चलने के बाद सामने नज़र आ गई मोनेस्ट्री, वो ऊपर है और ये रास्ता है इसका। ऊपर चल के दिखाते हैं आपको व्यू, यहाँ वहाँ से बहुत ही शानदार व्यू मिलेंगे। तो ये स्टीप रास्ते से हम चढ़ गए हैं, वैसे एक्चुअल रास्ता यहाँ से है और आगे हम जा रहे हैं, यहाँ से रास्ता है। यहाँ तो कोई रेयर ही आता है, कोई नहीं आता, आधा 1.5 घंटा लगता है यहाँ तक आने में। वाओ, क्या बात है। तो गाइस, मैं हूँ तुरतुक मोनेस्ट्री में, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है तुरतुक मोनेस्ट्री और काफ़ी हाइट पे है, हमें मोर देन 30 मिनट ट्रैक करके पूरा गांव क्रॉस करके आना पड़ा। और ये व्यू देख लीजिए विलेज का,
कितना खूबसूरत व्यू है, ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा व्यू है यार। ये चारों तरफ की माउंटेन्स, ये ब्यूटीफुल। इस मोनेस्ट्री जाने का रास्ता यहाँ से गेट से एंट्री करके ये रास्ता जा रहा है, ये इससे ऊपर, जबकि हम ये बैक साइड से गए थे बड़ी मुश्किल से मिट्टी वाला, और ये ऊपर है मोनेस्ट्री सामने, प्लेइंग प्रेइंग फ्लैग्स लगे हुए ऊपर। तो ये रास्ता है, ध्यान रखना, गेट से घुसते ही अपना ऊपर को जाता है रास्ता। तो अब चलते हैं सीधा अपने टेंट में और वहाँ से फिर चलने की तैयारी करते हैं। तो गाइस वी आर रेडी टू राइड, और हम रुके थे त्याक्षी समर कैंप एंड कैफे में। ये है मैडी भाई, जिन्होंने खाना बढ़िया बनाया था हमारा और ये हैं हमारे सर वासिम, क्या गुलाम मोहम्मद भाई सर। बहुत बढ़िया इनका सेटअप है यहाँ पे, कभी भी टैक्सी आए तो इनका रोड पे ही है होमस्टे, यहाँ आराम से रुक सकते हैं, बढ़िया है। बाकी इनका नंबर मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बात कर लेना। तो चलते हैं अभी, ठीक है भाई, ओके सर, थैंक यू, ओके सर। ठीक है भाई, थैंक यू। तो गाइस अभी तक आप देख चुके हैं कि हम सुबह 8:30 उठे थे और उसके बाद तैयार होके हम गए थे तुरतुक विलेज को एक्सप्लोर करने। वहाँ पे सबसे पहले हम गए थे जो यहाँ का पैलेस है, तुरतुक का राजा है, उनसे राजा से मिले, उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई, जो 1600 में ये महल बन के तैयार हुआ वो भी हमने देखा, उसके अंदर के सारे पुराने बर्तन वगैरह थे, वहाँ पे रहने की जगह, सोने की जगह, हर चीज हमने देखी थी कि पुराने समय में राजा कैसे रहते थे। तो उसके बाद हम निकल के गए मोनेस्ट्री देखने। मोनेस्ट्री का रास्ता बहुत ही लंबा है, मोर देन हाफ एन आवर आपको लग जाएगा, पूरा गांव को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और वो भी हाइट पे है क्योंकि ये पूरा मुस्लिम बहुल गांव है, तुरतुक त्याक्षी थांग, यहाँ पे बौद्ध लोग बहुत कम हैं यहाँ पे, तो बहुत देखभाल इतनी होती है और बहुत ही कम लोग जाते हैं। तो मोनेस्ट्री हम पहुँचे किसी तरह पूछते पूछाते, और उसके बाद जब हम ऊपर गए तो सारी थकान हमारी दूर होगी, क्योंकि वहाँ से जो व्यू है पूरा तुरतुक का और पूरे वैली का व्यू बहुत ही शानदार है, मज़ा आ गया देख के पूरी वैली को। तो ये त्याक्षी गांव को सबसे पहले हम क्रॉस कर रहे हैं और नेक्स्ट गांव आएगा तुरतुक। तो त्याक्षी के 3 किलोमीटर बाद आपको ये तुरतुक गांव मिल जाता है। मॉर्निंग में हम आए थे, एक ही बाइक पर आए थे कपिल भाई और मैं, कपिल भाई की बाइक पर आए थे, तो आके हमने पूरा मतलब कि जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए हैं, पूरा गांव हमने क्रॉस कर रहा था पैदल ही, और काफ़ी कुछ अच्छा लगा। यहाँ पे लोकल फूड हमने खाया, बाल्टी फूड खाया हमें, और बहुत ही बढ़िया था वो भी। और इसके बाद हम वापसी गए अपने कैंप में, जो त्याक्षी समर कैंप है, वहाँ से अपना पैकिंग करके फिर निकल गए। तो ये आप अभी देख रहे हैं तुरतुक विलेज, पहले त्याक्षी देखा, अभी तुरतुक है। तो इस तरह से हम अपना आज का स्टे हमारा है हुंदर, मोर देन हमारा 80-90 किलोमीटर का आज का डिस्टेंस कवर करना है। अगर टाइम से पहुंच गए तो हम ले चले जाएंगे, क्योंकि अमित भाई ले जा चुके हैं, वो सुबह ही चले गए थे, तो हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। देखते हैं अगर समय पे पहुंच गए तो लेक की तरफ निकल जाएंगे, नहीं तो फिर हुंदर रुक जाएंगे। गेटवे ऑफ बोंगडांग गांव, बोंगडांग गांव आएगा अभी, और जस्ट 3-4 किलोमीटर है बोंगडांग, बोंगडांग रिवर केव व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। बोंगडांग विलेज को क्रॉस कर रहे हैं, और ये अभी बहुत गंदी रोड है यहाँ पे, तो पहले तो बढ़िया रोड थी, आए बनाते होंगे अभी। लॉकडाउन से निकलते ही यही जो एरिया है थोड़ा लैंडस्लाइड वाला जोन है, ज़्यादा यहीं पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं और रास्ता रुकता है। अब ये हम रिवर से ऊपर चले जाएंगे और शायद वार मेमोरियल आ जाएगा फिर, जहाँ पे हमने पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा हमने चाय पी थी वहाँ पे,
देख लो यहाँ से आ रहे हैं हम। अपने बंदे की बाइक नज़र नहीं आ रही, वो आ रहा है अपना कपिल भाई। ये ब्यूटीफुल व्यू, ओहो पैर स्लिप कर रहा था। ये आ गया है शायोक वार मेमोरियल, सामने जो आप देख रहे हैं पोस्ट 9 शायोक वार मेमोरियल। यहाँ पे चाय नाश्ता मिलता है, समोसा चाय नाश्ता, लेकिन हम जाएंगे सीधे वो अंदर से जाना हमने वैली की। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो शायोक वार मेमोरियल को जस्ट अभी क्रॉस किया 2 किलोमीटर पहले। ये देखिए व्यू देखिए, बारिश भी शुरू हो गई हल्की फुल्की, आगे धूप है यहाँ बारिश हो रही है। हम पहुंच गए हैं हुंदर में और ले यहाँ से 125 दिशकिट 7 किलोमीटर, और ये है ले की, ये हुंदर की मार्केट। हुंदर आ गए, हुंदर कहाँ जाना है? कैंटीन चल फिर। बहुत भीड़ हो गई है इतने सालों में, हर साल भीड़ बढ़ती जा रही है। होटल लेने के बाद हम आए हैं अभी सैंड ड्यून देखने। ये सामने आप देख रहे हैं सैंड ड्यून्स, और वो पीछे सैंड ड्यून्स। पिछली बार जब आए थे यहाँ पे सैंड ड्यून था, अब खिसक गए हवा के कारण ना, ये खिसकते रहते हैं आगे पीछे चलते रहते हैं। और वहाँ पे डबल हम्प कैमल है उधर, वो सामने आ रहे हैं लोग कैमल सफारी करके, चलते हैं उधर। तो गाइस ये है डबल हम्प, 2 कुबड़ वाले ऊँट जो यहीं आपको देखने को मिले, नुब्रा वैली में देखने को मिलेंगे। कितने सारे हैं ये देखिए, और राइड आई थिंक 200-250 रुपये है इसकी एक राइड। ये छोटा बच्चा, ये देखो नुब्रा में ये चारों तरफ फोग ही फोग हो गया है शाम को, और लगभग 7:30 बज गए हैं। अभी भी रोशनी है लेकिन बादल बहुत हैं, कल भी बारिश हुई थी, आज भी लग रहा है रात को बारिश होगी। कल देखो खारतुंगला में बारिश ना हो स्नोफॉल, तो सुबह हम निकलेंगे अपना मनाली ले हाईवे पे, और सरचू को 2 से 5 बजे तक ही क्रॉस करने दिया जा रहा है। और 2-वे चालू हो गया है, ऑड इवन ख़त्म हो गया है, कि एक दिन वहाँ से छोड़ रहे थे मनाली से, एक दिन लेह से छोड़ रहे थे, लेकिन कल से दोनों तरफ से ट्रैफिक छोड़ा जा रहा है। तो गाइस हम वापसी आ गए हैं अपने रूम में नुब्रा वैली में, और हमारा हो गया है डिनर, 8 बज चुके हैं, और बस अब सोने की तैयारी है। कल सुबह हमारी वापसी शुरू है दिल्ली की, तो हम जा रहे हैं अपना लेह मनाली हाईवे से, और कल से ही मतलब कि दोनों तरफ का ट्रैफिक शुरू हो रहा है। नहीं तो पहले ऑड इवन चालू था, एक तरफ से आता था, अगले दिन दूसरी तरफ से जाता था। तो सुबह हम जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे 6 बजे, क्योंकि पहले ले पहुंचना है, ले से फिर हम आगे निकलेंगे। तो मिलते हैं कल आपको, और अभी तक के व्लॉग कैसे लगे एक कमेंट करना, और कोई भी मेरा नया व्यूअर है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। अंत में दोस्तों राइड हार्ड राइड से बंदे मातरम, जय हिंद सायनारा।